भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच की जो ठन गई है, एक बार फिर से उस खबर को आपको बताते हैं। तो पहलवान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। इसके बाद जंतर मंतर पर धरना कर रहे पहलवानों ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहां से नहीं हिलेंगे। ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक भी उन पहलवानों के साथ थी और बजरंग पुनिया भी। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही है। बजरंग जी, क्या बोलेंगे आप, क्यों वापस प्रोटेस्ट शुरू करने की जरूरत पड़ी 3 महीने बाद? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो भाई दोबारा से शुरू करने की, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो और क्या है, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि देशवासी हमें उस नज़र से देखे कि ये तो सिर्फ पब्लिक सिटी के लिए बैठे थे। पब्लिक सिटी हम मेडल से बहुत मिल जाती है, खूब देशवासी खूब प्यार करते हैं हमें। हमें ऐसी पब्लिक सिटी नहीं चाहिए जिसमें हम रोड पे बैठ के हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ वो पब्लिक सिटी ले। ये उन लोगों की सोच होगी जो ये चीज़ें बोल रहे कि इनको पब्लिक सिटी चाहिए। पब्लिक सिटी मेहनत से मिलती है और मेहनत करते हैं तो मेडल आते हैं, मेडल आते हैं तो देशवासी खूब प्यार करते हैं, आप लोग खूब दिखाते हो हमें। सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, कमेटी बनाई थी कि वो जांच करेंगी, वो बताएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? क्या हुआ उसके आगे, आप लोग की क्या क्या डिमांड है? देखिए, नहीं तो हमें ये पता कि कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, किसी ने हमें नहीं बताया, किसी ने लिखित में नहीं दे रखा हमें कि भाई रिपोर्ट सबमिट की है। हमें नहीं पता, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि कमेटी के मेंबर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब जिस दिन हम कमेटी में गए हमारे साथ तो लॉयर बैठा था, एक आर्टिकल आया हुआ था, और जिस दिन बृजभूषण गया उस दिन तो लॉयर नहीं था। रूल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए हैं, एलिगेशन उस पर लग रहे हैं, लॉयर के से बात आप खिलाड़ियों ही करवा रहे हो, तो इसका मतलब तो आपने पहले डिसाइड कर लिया किस चीज़ का प्रेशर लेके आप न्याय की तरफ चल रहे हो। अगर न्याय किसी के प्रेशर में आगे नहीं होता, अभी हम जो चीज़ें हम नहीं चाहते थे वो चीज़ें हम कर रहे हैं। हमने कंप्लेंट दे दी है, पहले बोल रहे थे FIR नहीं कर रहे, अभी FIR के लिए कंप्लेंट 60 घंटे हुए हैं, अभी FIR भी दर्ज नहीं हो रही। अब हमें उच्चतम न्यायालय पे ही भरोसा है कि वो हमें न्याय ज़रूर देंगे और अब हम लीगल तरीके से ही चलेंगे। तो अब लीगल तरीके से चलेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट कब तक आप सोच रहे हैं, जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा? जब तक उस पर एक्शन नहीं हो जाता तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा।